नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइबेक्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन का चैप्टर, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर भी है। और हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास से, जो कि चैप्टर वाइज चलेगा आपको हर एक चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या फार्मूले यूज होंगे और क्या क्या आगे जरूरतें पड़ेंगी, कैसे कैसे सवाल आएंगे वो आपके सामने है सब। तो पहला देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला जो कि बेसिक फार्मूला है समाकलन का, जो कि यूज होता है। इस समाकलन के फार्मूले में ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन x के पावर n dx इक्वल्स टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट है, और यहाँ पर n नंबर है, तो जितना भी पावर है यहाँ पर उस हिसाब से ये 1 बढ़ जाता है। ये है फार्मूला इसका बेसिक। चलिए हम एक सवाल प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx। सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, और इसपे हमको x के पावर 6 का इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, समाकलन निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम जब कंपैरिजन करेंगे अपने फार्मूले से, तो कंपैरिजन में दिखेगा कि n इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पर, 6, देन n इक्वल्स टू 6। जब n इक्वल्स टू 6 हो गया, तो हम फार्मूले का यूज करेंगे, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन इक्वल्स टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू x के पावर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, दैट इज x के पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। c इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट इस पे जरूर आता है, इसलिए c लिखना मत भूले। अगर आप c लिखना भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आपने निकाल दिया, तो ये कितना आंसर आ गया, x के पावर 6 dx इक्वल्स टू एक्स के पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 3 बाई 4 dx। सपोज ये दिया हुआ है एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब हमें x के पावर माइनस 3 बाई 4 का निकालना है dx, तो ये कैसे निकलेगा? सीधे से फार्मूला हम यूज करेंगे, x के पावर n प्लस 1, दैट इज n इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा सॉल्व, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 4 1 में से जाएगा, तो कितना बचेगा, x की पावर 1 बाई 4 अपॉन 1 बाई 4 इक्वल्स टू 4 x की पावर 1 बाई 4, और यहां पर हम क्या लगा देंगे, प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। तो ये बेसिक फार्मूला है नॉर्मल सा, जिससे हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। इसी प्रकार और भी कई फार्मूले हैं, तो चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी जो 7.1 है, प्रश्नावली आपकी 7.1 है, उस पे आप स्टार्ट करिए और उससे लगाना शुरू करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा यही सवाल मिलेंगे। फिर इसके बाद आते हैं बेसिक फार्मूलाज। तो बेसिक फार्मूलाज में आपको कई फार्मूले याद करने हैं, तो उनको मैं लिखवा देता हूँ, जो आप लिख लीजिए। बिना इन फार्मूलों के आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं आगे भी, तो आगे कई फार्मूले आ रहे हैं, मैं उनको लिखवा दे रहा हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। फार्मूला नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अगर कोई 1 अपॉन x लिखा हुआ है और 1 अपॉन x dx का फार्मूला आपको लगाना है, तो 1 बाय dx इक्वल्स टू होता है log x, तो होता है log x मॉड में लिखते हैं और बेस e प्लस c। ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला। तीसरा फार्मूला आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डीएक्स. अगर आप ई के पावर एक्स डीएक्स का निकालते हैं तो ये बेसिकली सेम होता है, चाहे डिफरेंशिएशन में हो या इंटीग्रेशन में हो. इसको ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स प्लस सी. सी एक कॉन्स्टेंट जरूर लगाते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसको लगाना मत भूलें. नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा आपका ए के पावर एक्स. अगर आप ए के पावर एक्स निकालते हैं, ए के पावर एक्स डी एक्स, तो इसका जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई हो जाएगा इसका. और इसके साथ में क्या लगाएंगे आप, प्लस सी. ये हो गया ए के पावर एक्स ई के पावर एक्स. इसके बाद आते हैं साइन के टर्म के फॉर्मूले. कौन से, साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, ये सारे फार्मूलाज हैं. ये आप सब नोट करवा दूंगा मैं आपको, तो वो भी नोट कर लीजिए या बुक से भी आप देख सकते हैं. लेकिन इन सबको याद करना बहुत जरूरी है. समाकलन अगर आपको लगाना है किसी भी तरह, अगर सीखना है बेसिक ना, तो बेसिक इनका, इनकी जरूरत आपको पूरे मैथ में पड़ेगी. जहां 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 भी आप समाकलन या अवकलन लगाएंगे तो इन फार्मूलाज की जरूरत आपको पड़ती रहेगी. तो ये फार्मूला जो साइन और कॉस के हैं मैं एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए. और इसके बाद हम अगले चैप्टर से फिर प्रश्नावली लगाना चालू करेंगे. इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स. साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, वो भी माइनस का. तो आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी. कॉस एक्स का जब आप करते हैं कॉस एक्स डीएक्स, तो इसका होता है साइन एक्स प्लस सी. टेन एक्स का जब आप लिखते हैं तो टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का डायरेक्टली नहीं निकाला जाता, इससे किस स्क्वायर के हिसाब से हम निकालते हैं. टेन एक्स का फार्मूला तो है लेकिन आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो टफ टर्म में आएगा, इसलिए इसको हम बेसिकली पहले अपोजिट वाला जो सिंपल है वो चल रहे हैं. तो सिंपल के लिए हमें इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर. एक्चुअली क्या है, ये टेन जो है अवकलन में चलता है, तो यहाँ पे आप लिखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि डायरेक्ट होता है इसका. तो ये होता है टेन एक्स प्लस सी. इसको आप याद कर लीजिए जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है. ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर का होता है जो कि कॉट के लिए होता है. इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस सी. ये कॉट एक्स लगा देंगे आप, कॉट एक्स वो भी माइनस का होगा. अगला आता है जो कि सेक के लिए हम लिखते हैं, तो सेक के लिए क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, sec x into tan x dx equals to sec x plus c. ये sec x से संबंधित है. अगला है cosec x into cot x equals to, इसको आएगा तो ये माइनस का होता है और माइनस cosec x plus c. ये बेसिकली छह फॉर्मूले हैं जो जिनको आपको याद करना है. इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए. ये फार्मूले याद करने के बाद आप पहले प्रश्नावली बड़े आराम से खत्म कर लेंगे. तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे प्रश्नावली 7.1. तब तक आप सभी फार्मूला जितने भी हैं उनको याद कर लीजिए. तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.